महाराष्ट्र की सरकार की कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। आज कैबिनेट और पांच राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कांग्रेस छोड़ने वाले विखे पाटिल भी मंत्री बनाए गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया। 13 नए मंत्री बनाए गए, इनमें से 8 ने कैबिनेट और 5 ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। कांग्रेस छोड़ने वाले शिरडी के विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल और राकंपा से शिवसेना में आए जयदित्य क्षीरसागर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरीके से इस बार कैबिनेट का विस्तार किया गया। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में रविवार को कैबिनेट का विस्तार हुआ। 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पूर्व कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली कैबिनेट के मंत्री के रूप में शपथ ली। विखे पाटिल राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष थे और उन्होंने हाल में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उनके बेटे सुजय विखे पाटिल राज्य की अहमदनगर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के आवास मंत्री प्रकाश मेहता और 5 अन्य राज्य मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मेहता के अतिरिक्त इस्तीफा देने वाले अन्य मंत्रियों में राजकुमार बड़ोले, विष्णु सावरा, दिलीप कांबले, प्रवीण पोटे और अमरीश आत्राम शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। ये विस्तार विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले किया गया। राज्य में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह इस विस्तार को अपनी सहमति पहले ही दे चुके हैं। फडणवीस ने रविवार को दिल्ली में शाह से मुलाकात की थी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ने कहा था कि 13 नए कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है और 8 पुराने मंत्रियों को हटाया जा सकता है। आवास मंत्री प्रकाश मेहता का पहले से ही इस्तीफा देने का अंदेशा था। दरअसल लोकायुक्त ने हाल ही में मेहता की तारदो एमपी मिल कंपाउंड स्लम पुनर्विकास मामले में आलोचना की थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एक डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए निर्णय लिए थे। कैबिनेट सदस्य ने कहा था, बीजेपी आलाकमान के साथ विचार विमर्श के बाद नए चेहरे तय किए गए हैं। दलबद्ध नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।